आदरणीय मेरे किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम। मैं टीके भारद्वाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा में फार्म मशीनरी सेल्स विभाग में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मुझे आज ये मौका दिया गया है कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों के समक्ष रख सकूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का सही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पिछले 6 महीनों में इस समय पूरे भारतवर्ष का चक्का रुका हुआ था, लोग डरे और सहमे हुए थे, उस समय में आपने अपने मेहनत से, अपने अथक प्रयास से भारत में जिस तरीके से अन्न पहुँचाया, लोगों के अंदर जो डर समाया हुआ था, आपके सहयोग से, आपके अथक प्रयासों से आज शायद हम सब लोग इस धरती के ऊपर जिंदा हैं। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप हमारे अन्नदाता हैं और हम अपने अन्नदाता का कोटि कोटि प्रणाम करना चाहेंगे। आज जिस तरीके से भारतवर्ष में कृषि के क्षेत्र में एक नया पन आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं, जिससे कि आपको कार्य करने में आसानी हो। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारत सरकार और महिंद्रा दोनों मिलकर के आपको ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन और फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में आपको सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कर रहे हैं। आज अगर हम देखें, पिछले 3 वर्षों में हमने जिस तरीके से अपने किसान भाइयों को नए प्रकार के, विभिन्न प्रकार के नए उपकरण कृषि क्षेत्र में दिए हैं, उदाहरण के तौर पे हमने पोटैटो प्लांटर, हमने राइस ट्रांसप्लांटेशन, हमने फार्म मशीनरी के क्षेत्र में ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर, इस प्रकार के जो नए नए टेक्नोलॉजी के उत्पाद आपको दिए हैं, उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आने वाले समय में भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपकी ज़रूरतों के अनुसार, आपके डेली कार्य करने में जो परेशानी आपको आ रही है, उससे रिलेटेड जिस प्रकार के उत्पाद की जरूरत आपको है, वो हम आपको उपलब्ध कराएं। आज अगर हम देख रहे हैं कि महिंद्रा, जो कि भारतवर्ष में पिछले 36 सालों से नंबर 1 है और विश्व में 1 नंबर की कंपनी है, वो किस तरीके से अपने किसानों के नज़दीक जाकर के उनकी ज़रूरतों को समझे और उसके अनुसार उनको मैकेनाइज करें और उसके लिए सही प्रकार का कम कीमत में उपकरण दें। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमने जिस तरह से नए यंत्रों की खोज की है, उनका आविष्कार किया है, उदाहरण के तौर पे आज अगर हम लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो महिंद्रा का रोटावेटर, जो कि बहुत सुरक्षित और कार्य में सकुशल और उससे आपका जल्दी काम होता है, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने एक अपना महिंद्रा ZLX प्लस दिया है, वो बहुत कार्य में अच्छा है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के नए उत्पाद, जैसे कि हम बात करें पैडी ट्रांसप्लांटर की, हम बात करें पोटैटो प्लांटर की, हम बात करें सुपर सीडर की, कुछ प्रकार के ऐसे नए उत्पाद आए हैं जो कि हम अभी दे चुके हैं और आने वाले समय में देने वाले हैं। आज एक और प्रकार का चैलेंज आपको आता है कि जब आप खेती का कार्य करते हैं तो लेजर लेवलर, जो कि खेत को समतल करता है, और आप सब जैसे जानते भी हैं कि एक अच्छी उत्पादकता के लिए जरूरी ये है कि पानी का लेवल उस खेत में सही प्रकार रहे। तो खेत का लेवल सही प्रकार हो, उसके लिए हमने एक महिंद्रा लेजर लेवलर लेके आए हैं। और ये लेजर लेवलर 40 HP से ऊपर के सभी ट्रैक्टरों के लिए बहुत सदुपयोगी है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई उस प्रोडक्ट को अपने इस्तेमाल में लाएं और उसका अगले 3 महीने वाले समय में आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, महिंद्रा के रोटावेटर, जो कि महिंद्रा खुद बनाती है, और महिंद्रा की जो प्रोडक्ट रोटावेटर है, वो आपको आपके कार्य में आपको बहुत बड़ा सहयोग देंगे। अब कुछ नई और चीज़ें हम लेके आए हैं। महिंद्रा के जो बेलर्स हैं, राउंड बेलर्स हैं, स्क्वायर बेलर्स हैं, उसमें जो प्रोडक्ट हम नई टेक्नोलॉजी जो हमारी टर्की में हमारे फैक्ट्रीज हैं उनसे वो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं। उम्मीद है जब आप उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उन प्रोडक्ट से आपकी
उत्पादकता में, आपके खेत में उत्पादकता में आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अगले 7 दिन में हमारे जो प्रोग्राम ही हमारा चल रहा है फार्म मैकेनाइजेशन मेला जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार करें और हमें सहयोग करें और हमारी डीलरशिप पर आए और ज्यादा से जानकारी आप हमारी डीलरशिप से लें। और एक बार फिर से मैं अपने अन्नदाता का कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कटर ब्लेड पोजीशन एडजस्टमेंट। कटर ब्लेड का काम स्ट्रॉ की कटाई करना है। कटर बार में लगे ब्लेड्स की पोजीशन सेंटर में न हो तो कटर बार डैमेज हो सकता है। यदि ब्लेड्स सेंटर पोजीशन से आउट हो तो ब्लेड को सेंटर करना जरूरी है। टाई रॉड को डिस्कनेक्ट करें, ब्लेड को सेंटर करें, फिर टाई रॉड को जरूरत अनुसार एडजस्ट करके जोड़ दें। फिर नीचे के बोल्ट को टाइट कर दें। ग्रीजिंग पॉइंट। हर 24 घंटे बाद दिखाए गए ग्रीजिंग पॉइंट पे
ग्रीस गन से ग्रीस करना जरूरी है। सीव हाइट एडजस्टमेंट। छन्ने की सही एडजस्टमेंट फसल से भूसा उठाने के लिए आवश्यक है। यदि सीव की हाइट ज्यादा हो तो ब्लोवर सीव से भूसा नहीं उठा सकता, और अगर हाइट ज्यादा हो तो ब्लोवर सीव से भूसा के साथ धान भी उठा लेगा। इसीलिए जरूरत अनुसार सीव की हाइट को एडजस्ट करना जरूरी है। इसीलिए सीव हाइट एडजस्टमेंट में दिए गए लॉक नट को ढीला करें, फिर ऊपर दिए गए बोल्ट को टाइट या लूज करके जरूरत अनुसार सीव की हाइट को एडजस्ट करें, फिर लॉक नट को टाइट कर दें। ध्यान रहे, दोनों तरफ से सही एडजस्टमेंट करना जरूरी है, नहीं तो सीव डैमेज हो सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ कॉनकेव एंड थ्रेशर डिस्टेंस। स्ट्रॉ की थ्रेशिंग सही तरह से होने के लिए थ्रेशर और कॉनकेव यानी कि जाली के बीच की सही दूरी बहुत आवश्यक है। अगर थ्रेशर और जाली के बीच का अंतर ज्यादा हो तो स्ट्रॉ थ्रेशर ड्रम में घूमता रहेगा और ठीक से नहीं कटेगा, और अगर अंतर बहुत कम हो तो ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉ एक जगह पे जमा हो जाएगा और थ्रेशर ड्रम छोक हो सकता है। इसलिए थ्रेशर और जाली के बीच का अंतर जरूरत अनुसार एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। इनको एडजस्ट करने के लिए जिस साइड से एडजस्टमेंट करने के लिए जगह दी गई है उस पे दिए गए बोल्ट को ढीला करें। ऊपर दिए गए नट को ढीला या कसने पे जाली और थ्रेशर के बीच का अंतर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंतर सुनिश्चित करने के बाद दोनों तरफ से फिटमेंट पे दिए गए बोल्ट्स को कस दे, फिर इस बोल्ट को जगह पे कस दे। आम तौर पर स्ट्रॉ की अच्छी कटाई के लिए इस अंतर को 25 मिलीमीटर यानी कि 1 इंच रखा जाता है। थ्रेशर ड्रम बैलेंसिंग। थ्रेशर एक हाई स्पीड रोटेटिंग मशीन है जिसमें ड्रम का बैलेंस होना काफी मात्रा में जरूरी है, वरना मशीन में अधिक वाइब्रेशन और आवाज आ सकती है। थ्रेशर ड्रम बैलेंसिंग चेक करने के लिए थ्रेशर ड्रम को हाथ से घुमाएं। अगर थ्रेशर ड्रम धीमी होने के बाद एक जगह पर रुक जाए तो थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग ठीक है, पर अगर थ्रेशर ड्रम रुकने के बाद फिर से उल्टी दिशा में रोटेट करने लगे तो थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग सही नहीं है। थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग करने का तरीका। थ्रेशर ड्रम अगर बैलेंस्ड नहीं है तो ये रुकने के बाद उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। उल्टी दिशा में घूमते हुए जिस स्ट्रिप में ज्यादा वेट है वह स्ट्रिप नीचे जाके थ्रेशर ड्रम रुक जाएगा। करना यही है कि जो स्ट्रिप नीचे जाके रुक जाए उसे 90 डिग्री के एंकल में उठाकर आगे की तरफ ले। उसके विरुद्ध दिशा में जो स्ट्रिप है उस पे वेट डालें। वेट थोड़ा थोड़ा करके तब तक ऐड करते जब तक दोनों तरफ एक समान वेट हो जाए। अब जब दोनों तरफ एक समान वेट है तो थ्रेशर ड्रम एक जगह पे रुक जाएगा। डाले गए वेट को थ्रेशर ड्रम के साथ उस ट्रिप पे वेल्ड कर दें। थ्रेशर ड्रम को घुमा के देखें, और अगर थ्रेशर ड्रम धीमे होके एक जगह पे रुक जाए तो थ्रेशर ड्रम की बैलेंसिंग ठीक हो गई है। अगर थ्रेशर ड्रम का कोई बीटिंग बोल्ट खराब हो गया हो, यदि निकल गया हो, तो इस वजह से होने वाले अनबैलेंसिंग को ठीक करने के लिए जो बोल्ट खराब या निकला हुआ है उसके बराबर विरुद्ध दिशा के बोल्ट को निकाल दें।
और काम जारी रखें। नया बोल्ट मिलने के बाद दोनों को फिर से जोड़ दें। सीव कैम एडजस्टमेंट। अगर सीव बेल्ट का टेंशन कम हो गया हो और सीव बेल्ट और सीव पुली में स्लिपेज हो रहा हो तो सीव कैम एडजस्टमेंट करना जरूरी है। सीव कैम के एडजस्टमेंट से सीव बेल्ट का टेंशन जरूरत अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। सीव कैम पे दिए गए चार बोल्ट्स को ढीला करें। फिर दोनों तरफ से हल्का हल्का ठोक के सीव कैम को एडजस्ट करके सीव बेल्ट का टेंशन चेक करें। फिर बोल्ट्स को उसी जगह पे टाइट कर दें। इस तरह से सीव बोल्ट के टेंशन जरूरत अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। ग्रीजिंग पॉइंट। समय समय पर इन सभी ग्रीजिंग पॉइंट पर ग्रीज गन से ग्रीज जरूर करें। सीव मूवमेंट एडजस्टमेंट। फसल की अच्छी तरह से सफाई के लिए छन्नी की सही चाल आवश्यक है। छन्नी की चाल को एडजस्ट करने के लिए पुल्ली पे दिए गए कैम का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। बेल्ट से लेके सीव की दूरी को नापे और फिर पुल्ली को हाथ से एक बार घुमा ले ताकि एक रोटेशन में हुए सीव की चाल का पता चले। अगर चाल को बढ़ाना या कम करना हो तो एडजस्टमेंट करें। कैम के ऊपर के कवर को निकाल दें और कैम के बोल्ट को लूज कर दें। ध्यान रहे, जब कैम को एडजस्ट करना हो तो कैम पे जो स्लॉट है उसे ऊपर की तरफ रखें। फिर कैम को थोड़ा ठोक के सीव की चाल को बढ़ा सकते हैं। कैम की चाल सामान्य रूप से 1 इंच रखनी चाहिए। उसके बाद कैम के बोल्ट को टाइट कर दें। और कवर लगा दें। फिर हाथ से एक बार पुली को रोटेट करें और एक रोटेशन में हुए सीव की चाल को चेक करें। बेल्ट्स एंड पुलीज। अलग अलग ट्रैक्टर मॉडल के अनुसार मेन गियर पुली, थ्रेशर पुली और मेन पुली टू थ्रेशर पुली बेल्ट का चुनाव किया जा सकता है। स्ट्रॉ रीपर में लगने वाले अन्य सभी बेल्ट्स और पुलीज की सेटिंग को बदलने की जरूरत नहीं है। अलग अलग ट्रैक्टर्स के लिए मेन गियर पुली, थ्रेशर पुली और बेल्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, जो इस प्रकार है। दिए गए ट्रैक्टर मॉडल्स के लिए 16 इंच यानी कि 406 मिलीमीटर की मेन पुली का उपयोग किया जाता है और 10 इंच यानी कि 254 मिलीमीटर की थ्रेशर पुली का उपयोग किया जाता है। और मेन पुली टू थ्रेशर पुली को जोड़ने के लिए बेल्ट नंबर C81 का उपयोग किया जाता है। अन्य सारे बेल्ट और पुली फिक्स रहेंगे। दिए गए ट्रैक्टर मॉडल्स के लिए 14 इंच यानी कि 356 मिलीमीटर की मेन पुली का उपयोग किया जाता है और 10 इंच यानी कि 254 मिलीमीटर की थ्रेशर पुली का उपयोग किया जाता है। और मेन पुली टू थ्रेशर पुली को जोड़ने के लिए बेल्ट नंबर C80 का उपयोग किया जाता है। अन्य सारे बेल्ट और पुली फिक्स रहेंगे। दिए गए ट्रैक्टर मॉडल्स के लिए 16 इंच यानी कि 406 मिलीमीटर की मेन पुली का उपयोग किया जाता है
और 9 इंच यानी कि 229 मिलीमीटर की थ्रेशर पुली का उपयोग किया जाता है और मेन पुली टू थ्रेशर पुली को जोड़ने के लिए बेल्ट नंबर C82 का उपयोग किया जाता है। अन्य सारे बेल्ट और पुली फिक्स रहेंगे। दिए गए ट्रैक्टर मॉडल्स के लिए 10 इंच यानी कि 254 मिलीमीटर की मेन पुली का उपयोग किया जाता है और 11 इंच यानी कि 279 मिलीमीटर की थ्रेशर पुली का उपयोग किया जाता है और मेन पुली टू थ्रेशर पुली को जोड़ने के लिए बेल्ट नंबर C75 का उपयोग किया जाता है। अन्य सारे बेल्ट और पुली फिक्स रहेंगे। फिल्टर एडजस्टमेंट। यदि दान के साथ भूसा आ रहा हो और यदि भूसा के साथ साथ दान भी बाहर निकल रहा हो तो हवा के प्रवाह और हवा के दिशा को एडजस्ट करना जरूरी है। हवा के प्रवाह और दिशा फसल को अच्छी तरह से साफ करने के लिए आवश्यक है। आप हवा के प्रवाह को एयर फ्लो एडजस्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। एयर फ्लो एडजस्टर के ऊपर दिए गए बोल्ट को लूज करके जरूरत अनुसार हवा का प्रवाह एडजस्ट करें। हवा का प्रवाह सही होने के बाद बोल्ट को उसी जगह पे कस दें। नीचे दिए गए एक्सटेंशन को एडजस्ट करके फसल से भूसा निकालने के दिशा को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन पे लगे हुए बोल्ट को ढीला करके एक्सटेंशन को ऊपर या नीचे मूव करके उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ऑल बेल्ट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट ऑफ रील पुली बेल्ट। स्ट्रॉ रीपर की रील को ड्राइव देने वाली बेल्ट का टेंशन अगर कम हो गया हो तो बेल्ट की टेंशन बढ़ाने के लिए दिए गए एडजस्टर की हाइट को ज्यादा करके टेंशन एडजस्ट किया जा सकता है। बेल्ट का टेंशन चेक करें। टेंशन कम हो तो एडजस्टर के बोल्ट को ढीला करें और एडजस्टर को ऊपर करें ताकि बेल्ट का टेंशन बढ़ जाए। टेंशन सही होने के तसल्ली करके उसके बाद बोल्ट को टाइट कर दे। एडजस्टमेंट ऑफ ऑगर चेन। अगर ऑगर पुली को ड्राइव देने वाली चेन का टेंशन कम हो गया हो तो दिए गए एडजस्टर की हाइट को कम करके टेंशन बढ़ाया जा सकता है। चेन का टेंशन चेक करें। यदि टेंशन कम हो तो एडजस्टर के बोल्ट को लूज करें, फिर एडजस्टर को नीचे करके चेन का टेंशन बढ़ाएं। टेंशन सही होने के तसल्ली के बाद बोल्ट को उसी जगह पे कस दे। मेन पुली बेल्ट टाइटन। मेन पुली के बेल्ट का टेंशन अगर कम हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए पुली के फ्रेम के ऊपर एडजस्टमेंट दी गई है। बेल्ट का टेंशन चेक करें। पुली के फ्रेम पर दिए गए 4 बोल्ट्स को ढीला करें। उसके बाद फ्रेम के ऊपरी साइड पे दिए गए बोल्ट्स को टाइट करें, यानी कि बोल्ट को घड़ी की सुई के दिशा में घुमाएं, जिससे पूरा पुली आगे आ जाएगा और बेल्ट टाइट हो जाएगा। इसी तरह दूसरी ओर भी जहां से प्रोपेलर शाफ्ट बेयरिंग रिटेनर पे माउंट है उस रिटेनर बोल्ट को भी समान अंतर पे कस दे। इससे पुली का डिस्टेंस दोनों तरफ से समान अंतर से बढ़ जाएगा और बेल्ट का टेंशन भी बढ़ जाएगा। एक बार फिर से टेंशन चेक करें और फिर सभी बोल्ट्स को कस दे।
थ्रेशर टू कटर बार बेल्ट टाइटन। थ्रेशर से कटर बार के बेल्ट का टेंशन कम हो गया हो तो एडजस्टर को ऊपर करके बेल्ट का टेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। बेल्ट की टेंशन चेक करें, टेंशन कम हो तो एडजस्टर के बोल्ट को ढीला करें और एडजस्टर को ऊपर करें ताकि बेल्ट का टेंशन बढ़ जाए। टेंशन चेक करें और बोल्ट को टाइट कर दें। थ्रेशर फैन बेल्ट टाइटनिंग। अगर थ्रेशर से फैन के बेल्ट का टेंशन कम हो गया हो तो एडजस्टर ऊपर करके बेल्ट की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। बेल्ट की टेंशन चेक करें, अगर टेंशन कम हो तो एडजस्टर के बोल्ट को ढीला करें, एडजस्टर को ऊपर उठाकर बेल्ट को टेंशन में लाएं और फिर बोल्ट को कस दें और एक बार फिर टेंशन चेक करें। थ्रेशर टू फीडर बेल्ट टाइटन। थ्रेशर से फीडर को ड्राइव देने वाली बेल्ट का टेंशन कम हो गया हो तो एडजस्टर को नीचे करके टेंशन को बढ़ा सकते हैं। बेल्ट की टेंशन चेक करें, अगर टेंशन कम हो तो एडजस्टर के बोल्ट को ढीला करके एडजस्टर को नीचे की ओर दबा के बेल्ट को टेंशन में लाएं और फिर बोल्ट को कस दें और फिर से एक बार टेंशन चेक करें। नमस्कार किसान भाइयों, हम महिंद्रा की तरफ से लेकर आए हैं आपके लिए आज का एक नवीन और सर्वोत्तम औजार जिसको हम कहते हैं लेजर लेवलर। यह वो औजार है जिसकी वजह से किसान अपनी कमाई को मेरी 25 गुना या 30 गुना बढ़ा सकता है और वो कैसे बढ़ा सकता है हम उसके बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहले कि इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं लेजर लेवलर, जो कि लेज़र की तकनीक से चलता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेज़र डिस्प्ले रखा है और जिसके बाजू में ही हमारे पास यह ट्रांसमीटर है। यह ट्रांसमीटर आपके लेज़र की शॉर्ट टाइम में कैच करता है और पूरे पैकेट को ऊपर से नीचे तक करके अपनी मिट्टी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। ये जो हमारा बकेट है ये काफ़ी स्ट्रांग या ये कह सकते हैं आप कि काफ़ी मजबूत बकेट है जिसके नीचे स्नैपर की ये दी हुई है जो कि रिप्लेसेबल है और जैसे ये वियर आउट हो जाती है या घिस जाती है आप उसको बदल सकते हैं। दूसरा सबसे बेहतर ये इंप्लीमेंट इसलिए भी है, ये पानी का संरक्षण करता है, मिट्टी को छटने से बचाता है और अगर बात करें तो ये पूरी धरती को एकदम समतल करता है आपके खेत को, जिसकी वजह से आपकी सभी जो बिजाई होती है वो एक समान होती है, एक साथ पूरा का पूरा फसल बढ़ता है। जो भी आप खाद उर्वरक की चीज़ें डालते हैं फसल में वो सारी की सारी सभी पौधों को एक समान मिलती है, जिसकी वजह से सभी के सभी एक साथ ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और आपकी जो पैदावार है करीबन 25-30% तक के बढ़ती है। दूसरा, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें 5 पार्ट है। एक ये पूरा बकेट जिसको हम लोग बकेट स्कैपर बोलते हैं, ये कंट्रोल पैनल जिस कंट्रोल पैनल ये अपने ट्रैक्टर के ऊपर लगा रहता है जो कि आसानी से जो ड्राइवर होता है वो उसको ऑपरेट कर सकता है, कैसा बकेट को ऊपर लेना है नीचे लेना है उस चीज़ के लिए। तीसरा चीज़ है ये लेज़र रिसीवर। चौथा चीज़ है ये ट्रांसमीटर जो आपको खेत के बाहर रखना है या खेत के बीच में रख के भी आप कार्य कर सकते हैं इसका। और पांचवी ये चीज़ है जो अंदर लगी है यहाँ पर हम हाइड्रोलिक सोलेनाइड वॉल, जो कि पूरे डायरेक्शन देता है कि बकेट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस्ट इकोनॉमिक्स की कि क्या फ़ायदा है 3 लाख का 3.5 लाख का, ऐसा जो ये उपकरण है इसके फ़ायदे के बाद अगर मैं कहूँ, अगर कमर्शियल पर्पज़ में या किराए पे चलाया जाए इसको तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि करीबन एक साल के अंदर अगर 700 से 800 घंटा कोई भी किसान या कोई भी व्यापारी इसको चलाता है तो उसका ऑलमोस्ट 100% उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो
पैसा उसने लगाया है इस उपकरण को खरीदने में, वो पूरा का पूरा उसका रिकवर हो सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है। और ये जो भी फ़ायदा मैं बता रहा हूँ वो सारे खर्चे काटने के बाद बता रहा हूँ, ताकि ड्राइवर का खर्चा है आपका, डीजल का है, मेंटेनेंस का है, ट्रैक्टर्स का है, सारे खर्चे काटने के बाद भी एक साल के अंदर ये मशीन आपको फ्री होकर आ सकती है। तो आइए हम सब इस आधुनिक उपकरण का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों की पैदावार बढ़ाकर पूरा एक नया इतिहास रचें। धन्यवाद।